तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, जो गुजरात के कच्छ इलाके से आ रही है, नलिया कोट टू बी प्रिसाइज, जहाँ पर गुजरात की एटीएस ने एक बहुत बड़े ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले रखी है, जो पिछले साल अगस्त में हुआ था। और बड़ी खबर ये है कि उस केस में 200 किलो हीरोइन की स्मगलिंग, जो पाकिस्तान से गुजरात आ रही थी, उस केस को लेके इन्वेस्टिगेशन में पहली बार नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का 15 दिन का पुलिस रिमांड लिया है गुजरात की एटीएस ने, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये पहली बार है जब लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड प्योरली ऑन अ ड्रग केस और ड्रग सीजर पे लिया गया है। बहुत सारे केस चल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, फिरौती के, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, धमकी देना लोगों को, डराना, धमकाना, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट चलाना, जेल में बैठ के फोन का इस्तेमाल, जेलों में बैठ के सिद्धू मूसेवाला जैसे एक सिंगर का मर्डर करवाने की कॉन्स्पिरेसी रचना, और मोबाइल पे जेल के अंदर बैठ के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे के ये मानना कि मेरे कौन कौन से गैंगस्टर हैं, किन लोगों ने सिद्धू का मर्डर करवाया, और अपने दूसरे लोगों की बात करना, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, ऑन कैमरा है। लेकिन कभी भी आज तक लॉरेंस बिश्नोई की किसी इंडिपेंडेंट ड्रग केस में इंटरोगेशन नहीं हुई थी, जो अब हो रही है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। पहली बार इतना लंबा रिमांड मिला है, 15 दिन का रिमांड, जो दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने दिया, NIA कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने। तो इसके पहले गुजरात कभी लॉरेंस बिश्नोई को नहीं लेके गया, हालांकि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस, इसके बंदों के इन्वॉल्वमेंट जो थी, उनको गुजरात से पकड़ा गया। यहाँ तक कि सिद्धू मूसेवाला केस में भी वांटेड 3 अक्यूज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के पास से ही पकड़े गए थे, लेकिन तब भी लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात पुलिस नहीं लेके गई थी, क्योंकि वो अरेस्ट दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की थी, उनका केस मान के छोड़ दिया गया। लेकिन अब पिछले साल अगस्त से जिस केस की इन्वेस्टिगेशन ATS कर रही थी, उसके सिलसिले में लेके जाना अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है, जो NIA ने कुछ महीने पहले कही थी कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स के साथ रिश्ते हैं। अब पूरा केस क्या है आपको बताते हैं। पिछले साल 22 अगस्त को गुजरात की ATS और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड, वो सेना जो समुद्र में अपने समुद्री जहाज़ों, बोट, हाई स्पीड बोट्स के जरिए भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा करता, उनके साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में इंडियन वाटर्स में, जैसे ही पाकिस्तान से इंटरनेशनल वाटर्स से आके इंडियन वाटर्स में एक बोट एंटर होती है, उसको इंडियन कोस्ट गार्ड अनाउंस करके कि आप हमारी गिरफ्त में हो, भागने की कोशिश मत करना, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। तो बड़ी मशक्कत से इंडियन कोस्ट गार्ड ने उस बोट को पकड़ा, जिसका नाम था तयासा। वो तयासा बोट जो पाकिस्तान से आई थी, उसको जब साथ में एस्कॉर्ट करके जखाऊ पोर्ट है वहाँ पे कच्छ में, वहाँ पे लाया गया। उसकी जब तलाशी सीजर अभियान किया गया, उसमें से 40 किलो हाई क्वालिटी हीरोइन मिलती है, जिसकी इंटरनेशनल कीमत बाज़ार में 200 करोड़ के करीब बताई जाती। लेकिन उसके आगे जो इन्वेस्टिगेशन हुई, वो बहुत इंटरेस्टिंग हुई। जब
उस बोट से 6 पाकिस्तानी पकड़े गए, पाकिस्तानी नेशनल, अभी भी वो एक गुजरात की जेल में बंद हैं। उनकी जब इंटरोगेशन हुई, उन्होंने किसी लोकल आदमी का नाम लिया और वो लोकल आदमी का नाम अभी तक ATS ने उसका खुलासा नहीं किया। शायद और आगे बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी है तो उसकी आइडेंटिटी बचा के रखना, क्योंकि वो शख्स ATS के साथ कोऑपरेट कर रहा है, इसलिए उसकी आइडेंटिटी बताई नहीं गई। उसके ज़रिए दिल्ली के 2 शख्स, एक मलिक और दूसरा जग्गू और वीरपाल सिंह, ये 2 शख्स दिल्ली से पकड़े जाते हैं, जिनके पास ये 40 किलो ड्रग बाई रोड गुजरात से दिल्ली जानी थी और उन्होंने रिसीव करनी थी। उन्होंने अपना रोल माना। उसके बाद एक तीसरे शख्स का नाम आता है जो उसी एरिया से ऑपरेट करता है गुजरात में और काफ़ी सालों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। उसका नाम है मनजिंदर सिंह। अब ये आदमी कुलविंदर सिंह, मनजिंदर उसका एक और साथी था जो पहले दूसरे केस में पकड़ा जा चुका था, तो कुलविंदर सिंह जो अभी बाहर था, वो आदमी काफ़ी समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को गुजरात में पना देता था, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से सीरियस क्राइम करके पुलिस से बचने के लिए गुजरात जाके पना लेते थे। कुलविंदर की इंटरोगेशन से और खुलासे हुए। उनको जब उसकी इंटरोगेशन की जो तथ्य सामने आए, उनको जब दिल्ली वाले मलिक और जग्गू और वीरपाल इनकी स्टेटमेंट से मिलाया गया, तो पता चला कि पंजाब की जेलों में 2 और शख्स बंद हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को जेल में बैठ के अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी इनकी जो तारें जुड़ी हुई हैं दूर तक। उनमें से एक आदमी जो है वो रहमान अली है, शायद पाकिस्तानी नेशनल है, वो पंजाब की कपूरथला जेल में बंद है। दूसरा एक ओबीसा चीफ, उसको चीफ भी कहते हैं, बहुत है अपने गैंग का, ड्रग्स स्मगलिंग गैंग का, वो अमृतसर जेल में बंद है। तो ये दोनों रहमान और ओबीसा, ये पंजाब की जेलों में बैठ के अपने इंटरनेशनल सिंडिकेट से तालमेल करके ड्रग्स मंगवाते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर पंजाब का है वहाँ से भी, और समुंदर के रास्ते पाकिस्तान से गुजरात में लैंडिंग करवाते हैं ड्रग की, खास तौर पे जखाऊ पोर्ट पर। वो जखाऊ थोड़ा सा काफ़ी दूर हट के पोर्ट पड़ता है और पाकिस्तान के बहुत नज़दीक है, तो इंटरनेशनल वाटर से बहुत कम समय में वहाँ पहुँचा जा सकता है। स्मगलिंग की बोट्स जो हैं, फिशिंग बोट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लोग स्मगलर, तो उस किस्म की बोट्स में लेके आते हैं। अभी 4 दिन पहले एक और तकरीबन 60 के करीब 1 किलो के पैकेट जो वो हाई टाइड के समय समुंदर में छोड़ देते हैं, वो लहरों के साथ अपने आप तैरते हुए जखाऊ के पास जो कोस्ट है, जो जिसको हम चौपाटी कहते हैं, धरती के साथ जो पानी जाके अब लगता है, थोड़ी सी रेत होती है वहाँ पे, रेत के ऊपर आके वो पैकेट जम जाते हैं और स्मगलर जो है वो एक एक पैकेट उठा के जहाँ पहुँचाना होता है उसको पहुँचा देते। और मज़ेदार बात यह है कि उन पैकेट्स के ऊपर जो मार्किंग की हुई हैं वो बहुत क्लियर हैं कि वो पैकेट्स किन के पास जाने हैं। किसी के ऊपर कोबरा नाम का ठप्पा लगा है तो वो कोबरा गैंग कौन चलाते हैं उनके पास जाने हैं। किसी के ऊपर सील ऑयल लिखा हुआ है वो उनके पास जाने हैं। कहाँ पे कोई फ्लाइंग ईगल नाम का लगा हुआ है, इस किस्म के अलग-अलग कोड हर वो 1-1 किलो के पैकेट पे छपे हुए हैं। तो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से ये रैकेट चल रहा है। एक बहुत बड़ा अभियान पाकिस्तान की ISI और वहाँ के स्मगलर्स और क्रिमिनल एलिमेंट्स ने
ड्रग सिंडिकेट के साथ मिलके हिंदुस्तान में मैक्सिमम ड्रग तस्करी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। सबसे ज़्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो या तो ड्रग में है या सोफिस्टिकेटेड आर्म्स और एम्यूनिशन में है। जितने हथियार, ड्रोन, आजकल ड्रोन माफिया नया चला, ड्रोन के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारा सामान आ रहा। तो इस जो लैंड बॉर्डर है वहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल होता है, जो सी बॉर्डर है वहाँ पर फिशिंग बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो अभी बहुत लंबी चौड़ी NIA की और दूसरी एजेंसी की जांच पड़ताल चल रही है। अब पंजाब की दो जिलों में बैठ के लॉरेंस बिश्नोई के दो आदमी ये पूरा ड्रग का कारोबार चला रहे हैं, ऐसा गुजरात की ATS का मानना है। और वो ATS NIA के हेल्प से इस केस को आगे बढ़ा रहेगी। अब जेलों से बैठ के जो धंधा कैसे चलता, और लॉरेंस बिश्नोई को ड्रग के धंधे में जाने की क्यों सूझी, इसके पीछे भी एक कारण है। इसके पहले पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का बड़े सालों से ड्रग का धंधा उसका खास आदमी जग्गू भगवानपुरिया चलाता था। ये आपको सबको मालूम है, पुरानी कहानी। जग्गू भगवानपुरिया के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ रिश्ते थे, पुलिस वालों के साथ रिश्ते थे, इम्पोर्टेंट सोशल फिगर्स के साथ रिश्ते थे। एक बहुत बड़ा ह्यूमन नेटवर्क था उसका, जिसमें सैकड़ों लोग लगे हुए थे इस धंधे में। और जग्गू भगवानपुरिया का जब गोल्डी बराड को लेके लॉरेंस बिश्नोई के साथ झगड़ा होता है, वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जग्गू भगवानपुरिया के दो आदमियों को लॉरेंस बिश्नोई के आदमी गोयंदवाल जेल में मर्डर कर देते हैं। ये दो एक महीने पहले की बात। असल में अंदर की बात ये थी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर के पीछे गोल्डी बराड का रोल और जग्गू भगवानपुरिये को रोल तो एक दिखावा था। असल में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू की दुश्मनी का कारण, मूल कारण, मेन कारण, मेन रीज़न ड्रग का धंधा है, जिसमें बहुत बड़ी कमाई है। जग्गू भगवानपुरिया को नाम कमाने की ज़रूरत नहीं थी। उसने ये भी कहा है कि मुझे शुरू से ये पसंद नहीं था, लेकिन मेरे क्योंकि गैंग में था इसलिए मुझे अपने आदमी और हथियार सप्लाई करने पड़े। लेकिन पूरी प्लानिंग मूसेवाला के मर्डर की वो गोल्डी बराड ने और लॉरेंस बिश्नोई ने की। इस बात का खुलासा बिश्नोई ने किया है। अब ये इतने बड़े लेवल पे ड्रग स्मगलिंग में जो लॉरेंस बिश्नोई हमेशा कहता आया है कि मैं ड्रग के धंधे में नहीं हूँ, वो झूठ पहले भी उसका पकड़ा गया था और अब इस केस में एक बार फिर पकड़ा गया। ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब गैंग के खर्चे बढ़ जाते हैं, गैंगस्टर्स की गिनती बढ़ जाती है, उनको संभाल के रखना, उनको साथ जोड़ के रखना, नए हथियारों की खरीदी करनी और प्लानिंग करनी आने वाले क्राइम्स की, और ख़ास तौर पे तब जब उसके ज़्यादातर साथी या तो जेल में हैं या देश छोड़ के भाग रहे हैं, इंक्लूडिंग उसका अपना भाई और भांजा। उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, अभी यहाँ रहते थे खर्चा कम था और बाहर बहुत पैसा भेजना पड़ रहा है, उसके लिए पैसा आएगा कहाँ से। ये मजबूरी अकेले लॉरेंस बिश्नोई की नहीं है, मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हमने देखा जब अमर नायक की लोकल आमदनी फरौतियों से, एक्सटॉर्शन से, हफ्ता वसूली से कम हुई, गैंग बहुत बड़ा हो गया था, 300-350 लोग मकोका के नीचे जेलों में चले गए, तो बाकी के गैंग को संभाल के रखने के लिए जो जेलों में गए उनके परिवार को हर महीने खर्चा देने के लिए जो करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती थी वो पैसा नहीं आ रहा था। तो अमर नायक को भी
ड्रग के धंधे में जाना पड़ा और सबको मालूम है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से निकला कि अमर नायक के श्रीलंका की लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम LTTE उनके साथ रिश्ते थे, तो उनके साथ मिलके अमर नायक ने ड्रग का धंधा किया और उसी की कमाई से सोफिस्टिकेटेड हथियार खरीदे। ये दुनिया को मालूम है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार अमर नायक के पास थे। और उसी तरह आज के दिन में नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा हथियार, खतरनाक हथियार, महंगे सिगाना, तुर्की के पिस्टल वगैरह, रशियन ऑटोमेटिक वेपन, कोरियन वेपन, ये सब के सब बड़े महंगे हथियार हैं और लॉरेंस मिशनोई गैंग के पास हैं। 18-18, 19-19 साल के बच्चे लॉरेंस मिशनोई से प्रभावित होके बड़े बड़े क्राइम करने लगे हैं और ये सोफिस्टिकेटेड हथियार उन तक पहुंच जाते। अतीक अशरफ केस में हमने देखा, तीनों लोग जो बहुत गरीब घर से आए हैं, जूते खरीदने के पैसे नहीं थे जिनके पास, किसी का बाप गोलगप्पे बेचता है, किसी का बाप बकरी पाल के गुजारा करता, उन लोगों के पास 8-8 लाख रुपए के वेपन कहाँ से आए। तो ये बहुत बड़ी एक गेम है जिसके लिए पैसा चाहिए होता है। फरौती आप 1 करोड़ की मांग लोगे, फिर उसको भेजना करना लंबा चौड़ा काम हो जाता है। लेकिन जब ड्रग के धंधे में आपको 1 लाख लगा के 1 करोड़ मिल जाता है, उससे बड़ा प्रॉफिट कोई नहीं है। इसी तरह हथियारों में जो हथियार बाहर 50-60 हज़ार का मिल जाता है, यहाँ 5-5 लाख का बिकता है, हज़ारों की चीज़ लाखों में हो जाती है। तो ये एक लालच कहो या एक बिजनेस डील कहो, इनका अपना गैंग भी चलता है, गैंगस्टर भी संभाले जाते हैं, सबको पैसा भी दिया जाता है, शान से जिया भी जाता है। जेलों में बैठ के जितने लोग आपके ज़्यादा जेल में जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ेंगे। एक एक आदमी को फैसिलिटी देने के लिए 1 महीने के लाखों रुपए लग जाते हैं, और अगर आपके 100 आदमी जेल में बैठे हैं, आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, कहाँ से आएगा हर महीने। तो ये एक इकॉनमी है अंडरवर्ल्ड की चलाने के लिए, उसके लिए ड्रग का धंधा हैंडी होता है। और तब जब उसकी डिमांड भी हो, बिना डिमांड के कोई धंधा नहीं चलता, जिस चीज़ को कोई खरीदने वाला नहीं है उसको बाहर से कोई कौन मंगवाएगा। इसलिए ड्रग की एक रेडीमेड मार्केट है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बाकी स्टेट्स में भी है, हर जगह जाती है। लेकिन वहाँ पे उन एरियाज में अपने अपने गैंग हैं, अपने अपने नशा तस्कर हैं जो अपना एरिया संभाल के बैठे हैं। तो इन लोगों का स्ट्रांग होल्ड नॉर्थ इंडिया में है, तो वहाँ से ड्रग्स यहाँ ला के आगे बेचना इनका काम है। तो एक काम, जब लॉरेंस बिश्नोई इंडिपेंडेंटली अपने लोगों के साथ मिलके करने लगा, तो जग्गू भगवानपुरिया इससे नाराज़ हुआ। लड़ाई बेसिकली ड्रग के धंधे की है और आगे जाके वो गैंगस्टरिज्म के 1 ग्रुप से 2 ग्रुप हो गए, जिसमें अब इनकी आपस में दुश्मनियाँ बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे को मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, और आने वाले दिनों में ये गैंगवार और भड़केगी। अब अमेरिका में जब एक ही गैंग था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 17 लोग जो वहाँ पे बैठ के भी क्राइम कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, लोगों को गुरुद्वारे में जाके मार रहे थे, इलीगल वेपन रख रहे थे, उनके ऊपर शिकंजा कसते हुए अमेरिकन पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इन 17 लोगों को अरेस्ट किया है। पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। अब उन 17 में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरे बचे हुए जग्गू भगवानपुरिया गैंग के हैं, जो पहले एक ही गैंग था। अब जब अलग अलग हुए तो आपस में लड़ने लगे, 5 मर्डर भी हो गए, और उसके बाद US पुलिस को इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। उस किस्म की लड़ाइयाँ आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में भी हो सकती हैं। राजस्थान में ऑलरेडी शुरू हो गया है,
अब पंजाब में बीमारी फैलेगी वो, क्योंकि ड्रग का धंधा है, करोड़ों का लेन देन होता है, कोई भी अपनी कमाई को घटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए खून खराबा होना लाजमी। तो दोस्तों आज इस जो 15 दिन का रिमांड गुजरात ATS ने लिया है, उसमें क्या निकल के फाइनली सामने आएगा वो आपसे समय समय पर शेयर करते रहेंगे, और आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।